हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डे 3 है। हम लोग निकल गए हैं समलेश्वरी, घंटेश्वरी, घुमा, ये सब मंदिर वगैरह के लिए। देखिए, हम रोड पे जा रहे थे। यहाँ पे है दही बड़ा आलू दम, जो उड़ीसा के फेमस होता है, वो यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग खाने के लिए आगे हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं दही बड़ा आलू दम सब भरा है, सब खा रहे हैं मजे से। मैं भी खाने जा रही हूँ, चलिए खाते हैं फिर हम जाएंगे। देखिए, हम लोग समलेश्वरी, घंटेश्वरी और हुमा, पहले हम हुमा जाएंगे। हुमा के लिए निकल गए हैं। हम लोग आज ऑटो में सफर कर रहे हैं। ऑटो में जाने का मजा ही कुछ और होता है, चारों तरफ खुला रहता है। देखिए कितना मस्ती करके हम लोग जा रहे हैं। नजारा देखिए, बहुत मजा आ रहा है। पहाड़ी है, जंगल है। चलिए देखते हैं आगे आगे। ये देखिए, हम लोग आके पहुंच गए हैं हुमा बक्र मंदिर में। वो मंदिर थोड़ा बेंड है, हम देखेंगे। देखिए, पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे पार्किंग है गाड़ी। चलिए अंदर जाते हैं, मंदिर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं बक्र मंदिर हुमा। देखिए, दिख रहा है ना मंदिर कैसे बेंड हुआ है, अब देख पा रहे हैं पूरा बेंड दिख रहा है मंदिर। ये देखिए, ये मछलियों के लिए खाना मिल रहा है यहाँ पे। ये वहाँ पर है नदी है, हम लोग उधर जाएंगे, मछलियों को खाना खिलाएंगे, फिर हम बोट से उस तरफ जाएंगे। चलिए देखिए, आप लोग पूरा दिख रहा है। ये देखिए, हम लोग आ गए हैं अभी। देखिए पानी है, मछलियों को खाना खिलाएंगे। चलिए ये देखिए, मछलियों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। कितने सारे मछली है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, धूप बहुत ज्यादा है, बहुत मछली है। बहुत मछली, बहुत सारे मछली है। ये देखिए, हम लोग बोट में उस तरफ जाएंगे, एक मंदिर है उधर देखेंगे। देखिए, हम सब निकल गए हैं बोट में बैठने के लिए। देखिए, चलिए चलो। ये देखिए, हम लोग बोट से उतर गए, अभी ऊपर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, हम लोग पहुंच गए ऊपर, स्टेप है। ये देखिए, ये एक सुंदर चीज है। ऐसा कहावत है कि यहाँ पे जो मछली होता है उसको कोई खाते नहीं है, लेकिन ये लेडी ने उस मछली को लाके वो कट करने से ऐसे स्टैचू बन गए। देखिए ऐसे हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो भी मछली है इसको कोई पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते। ये देखिए, इतना बहुत बड़ा काली का स्टैचू है, महाकाली का स्टैचू है। देखिए, बहुत सुंदर नजारा है, चारों तरफ पानी ही पानी है और पत्थर से भरा हुआ है। देखिए, हम वहां से बोट से उतर के आ गए, उधर से आए यहाँ से। देखिए, ये देखिए, वो शिव भगवान जी है, उनके ऊपर माँ काली खड़े हैं। बहुत बड़ा स्टैचू है। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी आइए यहाँ पे घूमिए। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये हुमा के जो मंदिर है उस तरफ हम आ गए थे बोट में, हम दिखा रहे थे। यहाँ पे आप फोटो जितना भी चाहे आप खींच सकते हैं। फोटो खींचने के लिए यहाँ से अच्छा जगह और कहीं नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर नजारा है। ये देखिए, हम फिर अभी बोट में जाने वाले हैं उस तरफ, फिर हम अपना गाड़ी में फिर जाएंगे दूसरे जगह पे। देखिए कितना सुंदर नजारा है, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ। देखिए, आप जितना चाहे यहाँ पे फोटो खींचिए, बहुत मजा आएगा आपको। उस तरफ में जा सकते, उधर उधर जाके बहुत धूप है, इसीलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, बहुत धूप है, आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से। देखिए, इतना सुंदर नजारा,
आप यहाँ पे फोटो खींचे, जो भी करें मस्त फुल मस्ती कीजिएगा। आइए एंजॉय कीजिए। देखिए मंदिर है, इतना सुंदर दिख रहा है। 3 बजे के करीब टाइम है, ज़्यादा आदमी नहीं है, अभी लोग भीड़ नहीं है। अभी हम यहाँ पे दर्शन करके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फोटोज वगैरह अलाउ नहीं है या रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये माँ का फ्रंट का है, शमलेश्वरी मंदिर। ये फ्रंट व्यू है, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, हम लोग अभी घंटेश्वरी के लिए निकल गए हैं। देखिए रोड दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, हम लोग जा रहे हैं अभी घंटेश्वरी मंदिर। है राइस राइस फील्ड है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हम लोग घंटेश्वरी मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, स्टेप है, उतर के जाना है, नीचे पानी है। देखिए बहुत सुंदर नजारा है, बहुत सुंदर नजारा। देखिए पानी पानी, देखिए नीचे जो है पानी बहता जा रहा है, आवाज हो रहा है। ये देखिए मंदिर में कैमरा मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारा घंटी है, जो मानसिक करते हैं कुछ चीज़ के लिए, यहाँ पर बहुत सारा घंटी ये किया गया है, इसीलिए है इसका नाम घंटेश्वरी रखा गया है। देखिए कितने तरह का घंटी है, यहाँ पे फोटो वगैरह अलाउ नहीं है। देख लीजिए पूरा बड़ा से लेके छोटा वाला तक बहुत सारा घंटी है। चलिए ये देखिए, ये हम लोग का उड़ीसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का ये एक वाटर प्लांट है। ये देखिए ये टरबाइन यहाँ पे है, टरबाइन यहाँ पे है। और ये देखिए वहाँ से ये रास्ता जो है वो घंटेश्वरी की तरफ जा रहा है, मंदिर की तरफ ही जो रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है, बहुत नैरो है, इतना धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा आपको, ऐसे करके ये करना पड़ेगा। देखिए ये पानी कितना भरा हुआ है वहाँ पर, उसका पावर प्लांट है उधर। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का पूरा संबलपुर का कंप्लीट हो गया है आज का जो घूमना हम लोग का बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लगा। आप लोग भी आइए घूमिए, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।